बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैथ हम किस क्लास का कर रहे हैं? ये फिफ्थ क्लास है और ये मैथ की क्लास हमारे पास। और आज हमारे पास है जो LCM है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट जो कॉमन मल्टीपल कर रहे हैं। तो इसका आज डिवीजन मेथड से आपने LCM मालूम करना है। और जो आसान तरीन है ये वाला, ये मेथड जो है डिवीजन मेथड आसान तरीन है। सॉल्यूशन लेंगे किसका? 10 का, 20 का और 30 का। और इसे हम डिवीजन मेथड से, ये पहले कोशिश करने के तीनों वैल्यू एक कॉमन फैक्टर पे डिवाइड हो जाए, जिसको आप लोग प्राइम फैक्टर साथ कहते थे। प्राइम में जिसमें 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 है, 7 है, तो इनमें से कोई ना कोई आपको फैक्टर मिलेगा जो डिवाइड करेगा। लेकिन अगर ये 3 ना हो तो फिर आपने कम से कम 2 वैल्यू लेनी है जिसपे लॉग भी डिवाइड हो। लेकिन यहाँ पर अभी इतनी मुश्किल स्टेज नहीं आई है, इस वजह से हमारे पास है ये तीनों के तीनों किस पर डिवाइड हो रहे हैं? 2 5 10, 2 10 20 और 2 15। अब 3 पर नहीं जाएगा, किस पर जाएगा? 5 पर। 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 10। अब हमारे पास 2 ने 2 पर ही जाना है और 3 ने 3 पर। इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ जो टीचर्स हैं इसे अगले स्टेप पर भी ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको वो अगला करवा देता हूं ताकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो। इसे इसके बाद किस पे लेके जाएंगे? 2 पर। 1 वैसे का वैसे और 2 1 2, और फिर 3 भी वैसे का। फिर ये किस पे जाएगा? ये आ गया 1, ये 1 आ गया और ये आ गया 3 1। ये इसलिए मैंने कहा ताकि लास्ट पे आपको ये अंदाजा हो कि आखिर पे सिर्फ 1 1 ही बचता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं बचती। अब LCM का मतलब है कि आपने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना। किसको? जो आपके बाकी ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है और ये वाला 3। मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 10, 10 2 20 और 23। ले जी, ये इसका LCM आ गया। और कितना आसान जो ना वो मेथड है, अगर आप 9th क्लास से 5 क्लास पढ़े तो कितना आसान लगेगा, लेकिन अगर 5 क्लास पढ़ेगा तो फिर मुश्किल लगेगा। तो आगे क्या आ जाएगा? इसका सलूशन है, क्या सलूशन है? क्या हम 25 का लेंगे, हम 30 का लेंगे और हम 50 का लेंगे? देखिए जरा किस पे जाएगा। हमारे पास पहले कम से कम जो छोटे हमारे प्राइम फैक्टर उस पे लेके जाए, तो 30 पे भी 2 पे चला जाता है और 50 भी 2 पे चला जाता है। तो इस वजह से हम किस पे पहले लेते हैं? 2 पर। 25 तो नहीं जाएगा, लेकिन 30 जाएगा 15 और 50 जाएगा 25। अब ये किस पे जाएगा? 5। हालांकि पहले भी 5 पर भी ले जा सकते हैं, इससे कोई हर्ज नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि पहले छोटे आप लोग प्राइम फैक्टर पे लेके जाए। 5 5 25, 5 3 और 5 5, फिर किस पे जाएगा? 5। क्योंकि दो एलिमेंट्स कम कम 5 पे जा रहे हैं, 5 1s और फिर 3 वैसे का, 5 1s, सारे 1 1 करने हैं। इस वजह से हम इसे दोबारा किस पे लेके जा रहे हैं? 3 1s। अब क्या करेंगे? LCM क्या आएगा? 2 5 5 और 5 5 25, 25 टू 50 और 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ जाएगा। ले जी, ये कर रहे हैं हम LCM डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 आप लोग करेंगे। सॉल्यूशन किसका? 25 का, 40, 50 और 75। देखिए किस पे जाएगा? 2 पे भी जाता है, 2 आप 5 पे भी लेके जा सकते हैं, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि ये सारे ही जाते हैं। 5 5 25, 5 8 40, 5 10 50, 5 1 5, 2 बचा 25, तो 5 5 25, यानी कि 5 15 75 है। तो ये दोबारा हम किस पे ले जा सकते हैं? फिर 5 पे, क्योंकि ज्यादा
जो डिजिट तीन डिजिट है जो फाइव पे जाते, फाइव वन आर एट, वैसे का वैसे फाइव टू आर और फाइव थ्री आर, आप किस पे जा रहा है, ये टू फोर एट, टू वन आर टू, और फिर अब फोर वाला सिर्फ फोर पर ले जाओ, थ्री वाला सिर्फ थ्री पर ले, टू पर ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर लेके जाना चाहते हैं तो मर्जी है, वरना क्योंकि उसे फिर दो मरतबा आपका स्टेप हो जाएगा, तो दो से बेहतर है आप एक पर ही काम करें, वन 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 और तो यहां पर पहले थ्री पर भी किया जा सकता, फोर बाद में आ जाए। अब एलसीएम क्या आया, मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा आप लोग, फाइव फाइव टू फोर और थ्री, मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आया, फाइव टू टेन और टेन फोर फोर्टी, फोर्टी थ्री वन हंड्रेड ट्वेंटी, और वन हंड्रेड ट्वेंटी को फाइव से मल्टीप्लाई किया तो सिक्स हंड्रेड। मैंने कहा भी था जरा आप उससे पहले मल्टीप्लाई कर दें, कैलकुलेटर होगा, लेकिन वो भी कह रहे हैं जी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, आगे क्या आ जाएगा, सोल्यूशन है किसका, सेवन क्वेश्चन का, और उसमें क्या है, ट्वेंटी फोर फोर्टी एट सिक्सटी नाइनटी सिक्स, देखिए किस पे जाएगा, ये जाएगा टू के ऊपर, अब टू के ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, टू वन जा टू, फिर टू टू दार फोर, फिर टू टू दार फोर, टू फोर दार एट, टू थर्टी सिक्सटी, और फिर टू फोर और टू एट, टू फोर्टी एट टू नाइनटी सिक्स, दोबारा किस पे जाएगा, टू पर क्या आएगा, सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन ट्वेंटी फोर, फिर किस पे जाएगा, थ्री टू सिक्स ट्वेल्व फिफ्टीन वैसे, और फिर आप किस पे जाएगा, टू पे भी कर सकते, थ्री पे बाद में ले जाएंगे, ये थ्री ये थ्री ये फिफ्टीन और ये सिक्स, आप किस पे ले जाएं, थ्री पे, थ्री वन थ्री वन थ्री फाइव और थ्री टू, अब फाइव ने फाइव अपने ऊपर ही जाना है और टू ने अपने ऊपर, ताकि सारे ही लास्ट पे वन वन हो जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, वन 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 और टू, अब किस पे जाएगा, वन 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 और एलसीएम क्या आया, टू 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 थ्री फाइव और टू, मल्टीप्लाई करें सभी को तो क्या आंसर आएगा, फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड एट्टी, ये जरा कन्फर्म कर ले, तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम क्वेश्चन नंबर सेवन का। मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं ताकि ये टेंथ क्वेश्चन है, फाइव जो मैं कर लूंगा और फाइव फिर आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर हम टेन है वो करने लगे, जगह यहां पर मौजूद है और टेन की वैल्यू हमारे पास है एटीन फिफ्टी फोर नाइनटी और साथ है 180, जरा चेक करें तो हम लेंगे इसका सोल्यूशन, किसके इसका 18 का 54 का 90 का 180, किस पे जाएगा 2 पर, 18 का क्या आ जाएगा 9, 54 का क्या आ जाएगा 27, 90 का क्या आ जाएगा 45, 180 का क्या आ जाएगा 90, टू नाइनटी आर 180, टू फोर्टी फाइव आर 90 और टू ट्वेंटी सेवन आर 54, अब किस पर चला जाएगा, थ्री पर, थ्री थ्री आर नाइन, थ्री नाइन आर ट्वेंटी सेवन, थ्री फिफ्टीन आर 45 और थ्री थर्टी आर 9, फिर किस पर जाएगा, फिर थ्री पर क्या आएगा, थ्री वन थ्री थ्री आर 9, थ्री फाइव आर 15 और थ्री टेन आर, अब किस पे जाएगा, फाइव पर, तो क्या आया फाइव पर गया, तो वन थ्री सेम फाइव वन और तो अब सारे वन वन करने की बजाय, क्योंकि लास्ट में टू ने अपने ऊपर ही जाना है और थ्री ने अपने ऊपर ही, तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम आया इसका टू, एलसीएम आया इसका थ्री, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे
फिर उसके बाद थ्री, फिर उसके बाद फाइव, फिर वन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर लिखो थ्री और फिर लिखो टू और मल्टीप्लाई सबको जब आपस में किया तो क्या आंसर आया 540। ले जी एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 एलसीएम बाय डिवीजन मेथड इज कंप्लीट। लो समझ आ गई है जी।